शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम के अंदर पेट का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि छाछ, मट्ठा या नमकीन लस्सी ये कैसे बनाई जा सकती है। इसकी बनाने की विधि बहुत ही अच्छी है, पेट के लिए बहुत ही मुफीद है और गर्मियों में ये रामबाण की तरह है। अब आपको करना क्या है, आप ये मान के चले कि आपने 1 किलो दूध को गर्म कर लिया, आराम से गर्म करके उबाल दे लीजिएगा और उसको उतार कर ठंडा हो जाने दीजिएगा। ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, नवाया ठंडा जिसे कहते हैं कि वो गुनगुना ठंडा होता, बहुत गर्म नहीं है। और उसके अंदर आप 1 चम्मच मीठी दही का, अच्छी दही, मीठी का मतलब चीनी वाली दही नहीं, जो नेचुरल में मीठी है, उस दही का चम्मच डाल के मिला दीजिए और उसके बाद उसको ढककर, दो तासीरें हैं, या तो आप उसको आटे में रख दीजिएगा या आप उसको बाहर भी रख देंगे तो वो तकरीबन 4 से 5 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर हम गांव की तरफ जाते हैं या गांव में जाते हैं और सुविधा है तो मिट्टी के बड़े बड़े छोटे मटके होते हैं, बहुत बड़े मटके नहीं, इतने इतने मटके होते हैं, उसके अंदर आप उस दही को चम्मच के साथ डाल दीजिएगा, सारी की सारी दही। और एक रिड़कनी आती है लकड़ी की, बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, छोटी रिड़कनी को लो, उसमें डालिए और उसको मथने दीजिए, अच्छे से मथिएगा। और उससे देखिए दो फायदे हैं, जब आप इसको मथेंगे तो आपके हाथ का एक्यूप्रेशर हो रहा है, आपके हाथ के सारे पॉइंटों के ऊपर काम हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से मथे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब वो मथ जाए तो आप अच्छे से करने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, आप उसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास अच्छा बड़े वाला गर्म पानी का। अब गर्म पानी का जब आपने गिलास डाल दिया और उसके बाद उसको मथो, अच्छे से मथने के बाद आप फ्रिज का एक ठंडा, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास ठंडा पानी आप उसमें डालिए और मथिए। जब आप मथते जाएंगे तो उसके अंदर से मक्खन जो है निकलकर बाहर आ जाएगा। अब उस मक्खन को अब बड़े प्यार से, अगर आपके हाथ स्वच्छ हैं तो हाथ से, नहीं तो बड़े चम्मच से या कड़छी से उस मक्खन को आप आराम से निकाल कर रख दीजिएगा। अब वो बन गई छाछ, अब ये छाछ गाढ़ी होगी तो क्या करेंगे आप इसमें, इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी के और आप इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मथ दें, इसमें झाग उठ जाएगी और समझ लीजिए आपका मट्ठा, आपकी छाछ तैयार हो गई। थोड़ा सा जीरा ले, जीरा लेके आपने तवे के ऊपर भून लीजिएगा, जब तवे पे भून कर वो अच्छे से काला हो जाए उसको लेके उसमें डाल दीजिएगा और मिला दीजिएगा। काला नमक लीजिएगा अपने स्वादानुसार और हरा धनिया, हरा धनिया लेके उसके टुकड़े 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 बारीक करके उसे काट के उसके ऊपर डाल दीजिएगा और काला नमक अपने स्वाद के अनुसार जो आपको बेहतर लगता है आपके शरीर के लिए उसको डाल के मिला दीजिएगा। अगर आपको, मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल फ्रिज की छाछ मत पीजिएगा, उसको ठंडी जगह पे उस मटके में रखे रहने दीजिएगा, वो अपने आप में कमाल होगी। खाने के बाद आप 1 गिलास छाछ पीते हैं, विश्वास मानिएगा आपका पेट खराब नहीं होगा, आपका खाना डाइजेस्ट होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैंने आज आपको ये बताया कि किस तरीके से मट्ठा या छाछ आप बना सकते हैं अपने घर पे, अपने दोस्तों को, और गर्मी में राहत का काम देती है। अगर आपको बाहर निकलना है, जाना है, कहीं भी बोतल के अंदर भरे हो ले गए कहीं भी, और बोतल भी अच्छी बोतल, अच्छे प्लास्टिक की बोतल या शीशे की बोतल, उसमें ले लीजिएगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी के अंदर राहत मिलेगी आपको। तो हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से छाछ आपके लिए फायदेमंद है, आप इसका आनंद लीजिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा, इस विधि का आनंद लीजिएगा। छाछ अपने आप में अमृत है, वेदों में कहा गया है कि छाछ कमाल की चीज है और पेट की अग्नि को, पेट की जलन को, पेशाब को अच्छा लाती है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें टिप्पणियां कीजिएगा और लाइक और शेयर तो आपके बनते ही हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।